उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील में उतारा गया करीब 2.5 करोड़ रुपए लागत का चलता फिरता रेस्टोरेंट मरीन बोट का आधा हिस्सा मंगलवार को पानी में डूब गया। मरीन बोट में ठीक एक साल पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी आयोजित की गई थी। मंगलवार को मरीन बोट का आधा हिस्सा टिहरी झील में समा गया। बता दें कि मरीन की लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए थी, जबकि बर्ज बोट 2.17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य दोनों परिसंपत्तियों को लीज पर देकर यात्रियों को झील में आकर्षित कर लाभ कमाना था, लेकिन कुप्रबंधन के चलते ना कोई पीपीपी पार्टनर इसके संचालन के लिए आगे आया और ना ही प्राधिकरण इसका संचालन कर पाया।